खोल के देखिया, खोल के बुआ चरोखे वाला रानी चाती पाई वांग लेखा फटी गई उन्हें इश्क ने कानी पाई। खोल के बुआ चरोखे वाला पीरानी चाती पाई खपरी अगे गई। योगी ने लाख शुक्र कीता, अगे खपरी डा दी, साधु खैर लै गई पूरन जती तेरा ही होन लगा। पिछो रानी सुंदरा ने पल्ला फाड़ लिया, वे जोगी जा किधर चले हैं। साधवा मेनू मार मकाई, मैं औरत बन गई तुद दी तू कर लाए बादशाही। मैं जनाब दी औरत तू मेरा बादशाह और बैठा राजकुमार, केड़ी लोड़े मंगन दी। और पूर्ण जति ने सोचिया, या मालका मेनू मालूम हुंदा है मेरी मातर मां, अपनी मातर मां नूं मैं सलाम करन गया सा, इस तरह ही मेरी मां ने मेरा पल्ला फाड़ लिया सी। अगे इन्नी सजा मिली है, 12 साल मैं खूह विच लगा दिते ने। या लाई मालका मैनूं मालूम दा मेरे तो ही वक्त आ गया मेरी मातर मां वाला, ओ वक्त याद पै गया। पूरन जती नूं पूरन रो के रानी नाल जवाब करदा है, मनशा पेश करदा है, बरकता जोड़ी वालिया ओ कितरा पेश करदा है। मिली अगे 12 साल मैं गुरु जी खूज लगाते ने, 12 साल मैं गुरु जी खूज लगा दिते ने। ऐसे
जा मिली है ये सच दा गुरु है ते मेरी जान बचा ले इत्थे ओही कड़ी ओही टाइम पूरन ते आ गया जिहड़ा जदों मातर मां नूं सलाम करन गया सी ते मातर मां ने पल्ला फड़िया सी ओही वक्त इत्थे याद आया आ मनसा पेश करता है पूरन दस गया गुरु दे कोल चला गया मगर ही रानी लगी जा रही है रानी नु वेख्या गुरु ने मगर रानी भी आ रही है पूरन लगे आ गया रानी पीछे आ रही है ते चेलिया नु कहन लगा कोई चेले कुधर खुर धोंडे आई कुधर पैर धोंडे आई कुधर हाथ धोंडे आई सारे नु शक ही पै गया खुरे सजानी मेनू पसंद कर लै कोई आके शायद खुरे मेनू पसंद कर लै आ बाय पूरन ते गुरु तो और चेलियां जो कोई साबित नहीं रह गया रानी आई गुरु दे कोल आखे आ पुत्र किधर आई क्योंकि बादशाह ने ती सी गुरु ने पूछा पुत्र किधर आई है आज्ञा बादशाह दी लड़की पुत्र तू तेरे मेरे आई लड़की है बादशाह दी पुत्र वो तेरे मेरे आई मंग जो बचाए मंगना वो तेरे दिल दी चाई मिलेगा गुरु ने आख्या मंग ले रानी आख्या जिदे मगर आई हां मेनू ओदे और मैं तेरे पुठे पाण आई हां पूर्ण गुरु पूर्ण मंगया रानी ने गुरु ने जिले पूर्ण मंगया ते गुरु दे कले च हाथ पै गया या बारी ताला रानी बड़ा जुल्म कीता है बैठा पुत्र जो मंगेगी सो मिलेगा और रानी पूर्ण मंगिया जे मैं पूर्ण ना दिता तो मैं जहान तो और फिराउन हो जांगा और कौल बड़ी शह हुंदा है आख्या जा पुत्र मेरा कौल नभा किया रानी दे नाल जा पूर्ण नाल कलिया रानी लै के पूर्ण जति नाल ते महला दे विच आ गई रानी छेजां बछांदी फिरे कई रंगो रंग खाने पकांदी फिरे पूरन जती परेशान जा होके बह गया जिले खाने पक गए तैयार हो गए और रानी बड़े चावां दे विच पूरन ने क्या रानी मेरे गुरां दा कमा के पिछो बादशाह सलामत हो केड़ा शिकार मार के मैं भोजन पकावा आया
खुश होया या ले मालका मसा मसा मर्जी का सौदा लब्बा अजे भी कहिंदा मैं अखी शिकार मार के भोजन पकावा या मैं रोटी तां खानी है मेरे गुरां दा पिछों वाक शायद शिकार खेडन गए ना आवे मैं कित्थों लब्बांगी अक लगी बादशाह सलामत मैं कितने नहीं जान देना कहन लगा रानी मेरे गुरां दा वाक है मैं अपने गुरां दा वाक पूरा करना है हत्थी शिकार मार के भोजन आप पकावांगा या आप खाऊंगा आखरो मर्द सी औरत सी कहन लगी अच्छा जाओ जी रानी कल के शिकार खेडन आप मलां ते चढ़ के देखन लग पई पूरन ने ताई कीती ते गुरु दे कोल चला गया पूरन गुरु कोल चला गया रानी ने सोचा गुरु कोल चला गया हुन नहीं आउंदा जां तक रिया जोगी ते सदा जान रही वजूद दे विच हल्ला तो छाल मार के चेत हो गई गुरु ने देखा उधर गुरु भी देखन दिया तो पूर्ण भी आ गया गुरु दे कोल अख लगा रामिया खून सिरे चाड़ आया है आख्या गुरु जी मैं ताड़ा कौन लवाया और जिहड़ी तुसा गल की सी मैं जनाब दा कहना मानना आ वा बाकी अगली गल नू पिछे रहन दियो फिर गुरु ने सोचिया ये पांडा पूरा हो गया है गुरु ने आज्ञा दीती या पुत्र तेरा बाग मीर दा सुक्का पिया है 12 साल हो गए ने तेरी मां रोंदी ते करलांदी नू अखां तों वी बशीर हो गई है जाके ओनू चुप करा पेश करता है मस्ताक पांच लबर तू ला लिया तेरी कंग तेंगरी तार की फरियाद कर दी है अपने बाग में चाया ते पानी दे छट्टे मारे बाग हरा हो गया एक लूला
ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਝ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੱਝ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਤਰ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਝ ਚਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮੱਝ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੱਝ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ, ਪੂਰਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਦਲ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਹਿ ਇਹ ਲੂਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਦੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਏ, ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਮੁਰਾਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੁਲੱਥਾ ਆਉਣ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੌਕਰਾਂ ਡੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੋਲੀ, ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰਾਂ, ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਹਾਰਾ ਖਾਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਖਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
उठ सलाम। क्या गुरु जी साधु साहब साधु जी तो सब बड़ा फट से पार चाड़िया के असि तेन सलाम करने वास्ते आए सा तू सानू उठ के सलाम किया है। आख्या बादशाह कोई गल नहीं तेनू सारा शहर सारी रइत सारी दुनिया सलाम कर दी मैं कर दिता तो की आखर आ गई है आओ किस रहा आयो राजा सलमान साधु नु दुख दसदा है किस तरह आए हैं मनसा पेश करता है किस तरह दसिया नौजवान कर लूना पी नहीं कोई पुत्र नहीं मेरी बात से सुनी जा रही है सुनने महल वरान जा रहे ने साधु जी तबाह करो पूरा बूटा लै। गुरु ने पूछया बादशाह सलामत सच्ची गल दस अगे तेरे घर धी जा पुत्र को नहीं होया। आख्या गुरु जी नहीं होया। बादशाह चंगी तरह सोच लै आख्या ना जी सारी जिंदगी इनी लंघी है ना ती ना पुत्र रब ने दिता ही नहीं। गुरु नु पता सारा ही सी दो चार वर के किताब जो उधर सुठे को दो चार उधर सुठे दो चार वर के उधर सुठे दो चार उधर सुठे। आख्या बादशाह मेरा नजूम में गलांदा है राणी को पूछया जाके बादशाह ने राणी सच्ची गल दस दी ¡Suscríbete al canal!
दोष नहीं, मैं मनो डूब गई सा। रानी सच्ची गल दसी, सच्ची गल दसी बादशाह नू। राजा गुस्से नाल उठिया, तलवार हाथ कीती, गुस्से नाल राजा भी उठिया तलवार नू करदे हाथ। कोई गल नहीं, वो तेरे पुत्र दे मुकद्दर ही इस तरह लिखे सन, जिवें उहदे नाल हो गई है। राणी दे वास्ती बादशाह कोई गल नहीं, इहनू मारी ना। आ फिर बचा लिया लूणा नूं, हां साधु जी दवा दियो। बादशाह दो चौलों के दाने दिते पूर्ण जति ने, आख्या बादशाह सलामत ए लो दो चौलों के दाने, साडी दवा है, तेरे घर एक पुत्र होवेगा,